गुड मॉर्निंग। सो स्टार स्कूल से वापस आ चुकी है। आजकल आपको जब भी स्टार दिखती है स्कूल से वापस आ चुकी है, क्योंकि जल्दी आ जाती है वो। 10:30 तक शी इज़ बैक होम। इन द मीन टाइम मैं हाँ, बिकॉज ऑफ 10th का एग्जाम्स के वजह से एंड हाफ डेज है और जेवी की छुट्टी है, तो मैं जेवी के साथ बिजी रहती हूँ, उसको साइकिलिंग वाइकलिंग कराने लेके जाती हूँ। सो इन द मीन टाइम स्टार तो आ ही जाती है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अभी तो आधा दिन निकल जाता है। स्टार अपना प्रोजेक्ट का काम करे। कौन से प्रोजेक्ट का कर रहे हो? ज्योग्राफी। कब है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मतलब उससे इतना बात का तुम अभी से क्यों कर रहे हो? सारे रिसर्च कवर पेज सब करके रख रही हूँ, इंट्रोडक्शन भी कुछ उनका करके रखती, फिर उनका पूरा पंच करके रखती हूँ, इंट्रोडक्शन अपना भी पंच करके रखती हूँ। मेरा गोल है कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स का कवर पेज इंट्रोडक्शन कर सकती। अच्छा, सबका करके रखना है आज का गोल है। गोल तो गाइस, ये रैंडमली स्टार अपना बैठ के आफ्टरनून में बहुत काम रहता है मुझे, तो मैं तो देख नहीं पाती हूँ। स्टार बस अपना प्रोजेक्ट का काम करती रहती है और प्रोजेक्ट्स ख़त्म होंगे तब जाके पढ़ाई फुल फ्लेज में शुरू होगी। टाइम टेबल आएगा तो 15 दिन मिलेगा पढ़ने के लिए। इन देखते कितनी पढ़ाई होती है, आई हैव नो आइडिया। इस बार मैं सब स्टार के ऊपर ही छोड़ रही हूँ कि तुम कर लो भाई, फाइनल एग्ज़ाम्स तुम ही क्लियर कर लो, तुम ही पढ़ लो, मेरे को ज़्यादा सर दुखाना नहीं है। और प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे फैले हुए हैं। अभी हम लोग को जाके एंड एवरी डे वी आर गोइंग बाइंग फ्यू थिंग्स अप फॉर द प्रोजेक्ट। तो आज स्टार को बायो का प्रोजेक्ट का प्रिंटआउट्स निकालना है, फिर उसके बाद फाइल्स लेने हैं, ऐसे वाले पेपर्स हैं ना आपके पास? प्रोजेक्ट पेपर्स हो जाएगा? तो कंटेंट के लिए नहीं चाहिए क्या? कंटेंट के लिए अच्छा रखे हैं। दो पेजेस मैंने मैक्सिमम चेक करके निकाले, जो कुछ जो 3D मॉडल्स होंगे एक पेज ही रहेगा कंटेंट में। हाँ, एनीवेज बाजू में मिल जाता है तो कभी भी जाइए, चाहिए तो जाके ले सकते हैं। तो जैसे जैसे चाहिए हम जाके वैसे वैसे लिख के आते हैं सामान। तो अभी ले जाना पड़ेगा, अभी प्रिंटर्स वगैरह मिले भी। हाँ राइट, तो एक दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी निकाल लो प्रिंटआउट, एक ही साथ निकाल, एक ही साथ देख लेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी, अभी इंग्लिश लिटरेचर का भी मुझे फाइंड आउट करके देना है स्टार को। मैं ढूंढ रही हूँ पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है अप्रोप्रिएटली। कौन सा? सिंड्रेला का पढ़ा था। हाँ क्या? सिंड्रेला को मैंने पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा था, 3-4 पेज लिखता हूँ, इतना बड़ा नहीं लिखा। तुम्हें कितने पेज लिखना है बाय द वे? 1-2। तो स्टार का लिटरेचर का प्रोजेक्ट का ये है कि एक फेरी टेल को आज के मॉडर्न टाइम में कैसे ट्विस्ट करके आप एक स्टोरी बना सकते हो, वो करना है। तो वो मुझे फाइंड आउट करना है पर वो मुझे मिल नहीं रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कब तक मिलेगा। हम लोग बैठ के गूगल में सर्च कर रहे स्टार का प्रोजेक्ट के लिए। स्टार क्या खतरनाक फोटो वोटो खोल के रखे हुए इधर साथ वाथ दिखा रहे। तो यस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं, तो स्टार हैज टू फाइंड, गूगल से इमेजेस फाइंड कर रही थी, तो मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है। तो एंड हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस गया किधर, तो सारे स्पेस गए हैं जेवियन के फोटोग्राफी स्किल्स में। क्या स्टार? एडिटिंग फोटोग्राफी। मतलब उसने 50,000 हाथियों के फोटो लिए मेरे फ़ोन पे। मतलब जहाँ पे उसको हाथी दिखता है, मतलब टीवी में वगैरह न्यूज़ का भी देखो। हाँ, कुछ मतलब Zevin has taken so many photos and that is why there is no space in my Google phone. Google ये Google searching. Yeah, unnecessary Google searching. And then like see, खुद के ही मम्मी के Zevin के पता नहीं 50,000 he has taken photos of all the animals and everything. And I mean my phone is full of all these stuffs and that is why Star is not getting space to download her project pictures. मतलब इतना सारा टीवी में कुछ भी देखेगा, डगी देखेगा, जेबरा देखेगा, कोई भी देखेगा, एंड ही विल टेक द फोन एंड ही वांट्स टू टेक फोटोज एंड देन ही वांट्स टू एडिट इट। सी माय गॉड, देख लो कितने इसके राइटिंग है। तो ये मैंने लिए हुए, ये चाहिए? नहीं नहीं चाहिए। देखो कितने सारे कितने सारे। अब जाके हम इसको डिलीट कर रहे क्योंकि स्पेस नहीं था, वरना तो देखा भी नहीं। काय का QR कोड है ये? इंस्टाग्राम। सब छोड़ो, मारो गोली। ते पुराने कितने अच्छे से एडिट किए। कौन से?
जेवी ने एडिट किया, जेवी की एडिटिंग स्किल्स है ये, क्या है ये शिजू का? लेट मी एम्प्टी ऑल द स्टफ्स फ्रॉम द ट्रैश. 1256 इमेजेस एंड देयर आर मोर, यू नो. ये अभी फिलहाल हम थोड़ा खाली कर रहे हैं. ये कॉफी पाउडर क्यों लग के रखा हुआ है? हिस्ट्री का कवर पेज. अच्छा, हिस्ट्री तो कॉफी पाउडर क्यों? ताकि वो पेपर ओल्ड लगे. अच्छा, ओल्ड पेपर बनाने के लिए वो क्या? सो फॉर दैट यू हैव ब्रॉट फॉर हिस्ट्री का कवर पेज. सो गाइस, बहुत धूप आ रही है ना, इसलिए मैंने कर्टन डाल दिया. आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है. स्टार अपना प्रोजेक्ट का काम कुछ कर रही थी. नाउ शी इज लाइक, अभी उसका ट्यूशन शुरू होने वाला है. व्हाट इज दिस? ये नितन जेवी किधर गया? बाहर चला गया ये? क्लोज द डोर. हाँ, इनसाइड ना क्लोज. बाबू, इट्स वेरी वेरी हॉट. ओके, डोंट ओपन. सो ये स्टार इज बिजी विद हर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. अभी हम लोग जाएंगे प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए. यू बेटर कीप ऑल द प्रिंट आउट्स रेडी. ओके, सो मिनिमाइज करो. तो स्टार इन द मीन टाइम अपना प्रोजेक्ट्स और फिर उसका ऑनलाइन ट्यूशन कर रही थी. तो मैं जेवी को लेके आई हेयर कट करवाने के लिए. तो यहाँ पे क्योंकि दूसरा किसी का चल रहा था, तो जेवी पूरा सैलून में नाटक कर रहा था. यहाँ वहाँ घूम रहा था, बैठने को रेडी नहीं था. और क्योंकि उसको एनीवेज पेशेंस नाम की चीज़ है नहीं. फाइनली उसका जब टर्न आ गया तो उसको फ़ोन देना पड़ गया, क्योंकि वरना वो बैठता ही नहीं. एंड फिर उसका हेयर कट हो गया. बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो इसीलिए उसके बाल बहुत ज़्यादा जंगली हो गए थे. सो आई जस्ट टुक हिम टू अ सैलून जस्ट नेक्स्ट टू अ बिल्डिंग ओनली. तो बाल कट हो जाता है ना, तो ही इज़ नाइस एंड रिलीफ. जेवी के हेयर कट हो चुकी है. Mama said, after stretching legs, one quick food. Yes. After stretching legs, mera laptop girega. Stretching legs ke chakkar mein. Stretch your legs, get up. Kaha stretch hua? जेवी का हेयर कट हो चुका है. एक तो बहुत गर्मी है तो इसलिए बाल भी काट दिया. बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. कल स्कूल जाएगा तो एकदम जंगली लगेगा. प्लस गर्मी भी है और इसके वजह से बाल काट दिया. एकदम छोटा छोटा बारीक कर दिया. बहुत जल्दी बढ़ते हैं जेवी के बाल. जेवी से आफ्टर से आफ्टर स्ट्रेचिंग लेग्स. हाँ, जेवी बोलता आफ्टर स्ट्रेचिंग लेग्स. Do I click phone? Do stretching legs. Do nicely. Sit for 10 seconds. Ten seconds. Stop. Mera laptop jayega. We've come here to buy some stationery items for Starlet for a project work. Okay, dikha do na. Doms ki chahiye ki kaun si chahiye? Hi all, good morning. And today is 1st of March. Officially March has started, and from today's last month before final exam. Yes, last month before final exams, and Star ka aaj se project shuru ho raha hai. So today's first project is biology. Biology ka topic hai Star ka vitamins and diseases and hygiene hai. Wo chapter ke upar hai. Usme humko flashcards banana hai vitamins ya minerals ke upar. Yes, तो वाइटमिन्स कौन से डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं वो वाइटमिन्स हैं. फिर सोर्सेज ऑफ वाइटमिन्स क्या हो सकते हैं अगर वो होते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. तो यस, कल हम लोग गए थे प्रिंट आउट वगैरह लेके आए. तो स्टार को इस प्रोजेक्ट के लिए तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना. तो शी मेड यस, तो बस फ्लैश कार्ड बनाना और फ्लैश कार्ड में डिटेल्स लिख के लिया अपने फेविस्टिक एंड कट करके रखा. दिखा दो सब. ओके, एक बार चलो पहले दूध पी लो. स्टार इज गेटिंग रेडी आज सुबह. एंड हम इसलिए उठे क्योंकि जेवियर आज जल्दी उठ गया. ही जस्ट वोक अप सो अर्ली एंड ही इज प्लेइंग. एंड बिकॉज ऑफ हिम वी ऑल्सो हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड आज उसको स्कूल भी जाना है. दो दिन के छुट्टी के बाद आज उसको स्कूल जाना है और वो आज ही सुबह जल्दी उठ के बैठा हुआ है. स्कूल जाने तक तो इसका मूड ही ख़राब हो जाएगा ना जेवी. तू जानबूझ कर भी करता है ना ऐसे. हाउ डिड आई टेल यू टू गेट अप? How did I tell you to get up? Hands in the front. Hands in the front and get up, not back, like a crab. चलो हो गया, जल्दी जल्दी दूध पियो. तो इस चक्कर में क्या है ना, जे, how did I tell you to get up? Keep your hands in the front and get up.
चलो हो गया। स्टार को खांसी है, हल्की हल्की खांसी है। आज स्टार के टिफिन में बहुत ही मतलब आज स्टार का फुल डे है बाय द वे। यस, प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे आज स्टार का फुल डे है। जिस दिन जेविन का स्कूल होगा स्टार का फुल डे ही है। तो स्टार को मैंने दिया है हर्शीज ब्रेड, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट ब्रेक में बिस्किट का पैकेट रखा हुआ। एंड हियर इज स्टारलेट्स बादाम एंड दूध बादाम का। स्टार का प्रोजेक्ट बहुत ही कम चीज़ है इस बार तो, क्योंकि अच्छा है। तो ये स्टार का फ्लैश कार्ड्स है कि प्रिंट आउट से हमने वो लिया था, प्रिंट आउट लेके आए थे। तो उसके लिए पिक्चर्स चिपकाने के लिए, पिक्चर्स ज़्यादा बड़े हैं क्या? स्लाइटली बड़े, मैं उनको साइड से काट दूँगी। काट देगा ना चिपकाने के टाइम? ओके हाँ, मुझे बड़े ही लग रहा है। एंड प्रोजेक्ट पर लिखने के लिए रखा हुआ है, फटाफट लिखने के लिए। हाँ, और इसको टॉपिक अंडरलाइन। अच्छा, ये फाइन राइटर पेन है स्टार का, ये टॉपिक अंडरलाइन करने के लिए। तो बस यही देना है, श्योर ना? कुछ वो सब देना नहीं है आप लोग को? फाइन, ठीक है, चलेगा। सो ये स्टार का प्रोजेक्ट का सामान है, रख दो। और बाकी प्रोजेक्ट के लिए रखा है आपने ग्लू स्टिक वगैरह? ग्लू स्टिक मैंने पाउच में रख दिया, डाल दो अंदर। स्टार का बस ट्रैक कर रहे थे, बस जा रहा है 2 नंबर स्टॉप पे, फिर 3 नंबर पे आएगा, फिर स्टार लोग का है 4, नहीं स्टार का तो 5 नंबर है, फिर 4 पे आएगा, फिर 5। ओके, सो स्टार बता रही थी आज बहुत कुछ है स्कूल में, आज बहुत कुछ रहेगा स्कूल में, और एक बहुत सारे लेक्चर भी मौसम। हमारा आज एक वर्कशॉप है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आज, तो उसके लिए उन्होंने वर्कशॉप रखा है सारे ग्रेड्स के लिए। और आज फुटबॉल का प्रैक्टिकल टर्म 2 का वो है एग्ज़ाम जैसा कि आप कैसे खेलते हो पूरे टर्म में, तो उसका भी आज सर ने 2 लेक्चर लिया है, प्रॉक्सी मराठी और लाइब्रेरी लेक्चर लिया है, तो वो 2 लेक्चर जाएंगे। तो बुक्स आपने कम रखा है कि नहीं? तो फुटवेयर, उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट भी रहेगा, तो इसमें भी 2 लेक्चर जाएंगे। तो 6 लेक्चर्स तो वैसे ही होगा ना, तो मैं 2 लेक्चर फुटबॉल टेस्ट में जाएगा और क्या वर्कशॉप में जाएगा। जीरो आई डोंट नो वर्कशॉप में कितना टाइम जाएगा, 3 लेक्चर भी जा सकते हैं, 1 लेक्चर भी जा सकते हैं। अच्छा, बहुत कुछ है यहाँ, फर्स्ट डे ऑफ प्रोजेक्ट भी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका? लिटरेचर। कुछ किया नहीं हमने इसका, कुछ भी नहीं किया लिटरेचर का, मैंने इंट्रोडक्शन बना के कंटेंट अभी बनाना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं जाने के बाद, ये लो खत्म करो। मम्मी अभी बैठ के ढूंढ लो। हाँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है ना। हाँ, कुछ काम नहीं है मेरे पास, बस यही काम करो ना। लिप बाम लगा लो। जेवी किधर है? लेटा हुआ, चला गया लेट पे, थक गया वो। प्रेयर, इट्स वेरी हॉट टुडे। या आई नो इट्स टू हॉट। चलो बाय, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट। अच्छे से बनाओ, चल बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू। माय गॉड, द क्लाइमेट इज सडनली चेंज्ड एंड इट्स टेरिबली हॉट। कल से बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जेवी देखो सुबह सुबह उठ के सामने एनिमल्स फैला दिए इधर और बिना उठा के रख के चला गया। और थोड़ी बारिश भी हुई आज, आई थिंक क्लाइमेट चेंज होने के लिए, गर्मी शुरू होने के लिए बारिश हो गई, हल्की हल्की बारिश हुई है। गुड इवनिंग, सो यस, सुबह के बाद अभी मिली हूँ। तेजी तो सोया नहीं, उठा हुआ था, बट उसको स्कूल में डेफिनेटली भेजा, आज फ्राइडे था। जेवी स्कूल जाके आ चुका है, जेवी को पता नहीं किसका फोन मिल गया। जेवी, कीप द फोन। तो यस, हम लोग आज बहुत ज़्यादा बिजी थे आज, क्योंकि बच्चों का फुल डे स्कूल था, जेबी का भी स्कूल था, स्टार भी लेट आई। एंड उसके बाद आज हमारे घर पे प्रेयर है और साथ में खाना भी है, तो उसी के चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा बिजी थे आज। तो यस, तो घर की साफ़ सफाई एंड कुकिंग एंड ऑल, सो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसीलिए स्टार आने के बाद मैंने उसको बिल्कुल भी पूछा नहीं। आज उसका बहुत सारी चीज़ें थी, उसका प्रोजेक्ट था आज,
प्लस उसका वर्कशॉप था एंड फुटबॉल का भी था, तो वो सब मैं बाद में पूछूंगी। पहले अभी बहुत सारा काम है, प्रेयर वगैरह निपटाते हैं और उसके बाद जाके सारा काम करेंगे अभी। सो इसीलिए यहाँ पे देखो टेबल क्लॉथ डाला, नॉर्मली टेबल क्लॉथ होता नहीं है। चेयर्स हमने मंगा लिए क्योंकि लोग आने वाले। ज़ेविया फोन देख के बैठा, ज़ेविया कीप द फोन असाइड, यू बेटर कीप द फोन असाइड। स्टार इज फिलिंग वाटर एंड खाना बन रहा है यहाँ पे फुल फ्लेज में। तो यहाँ पे हमने बनाया क्योंकि लेंट सीजन चल रहा है ना, सो वी आर मेकिंग ऑल वेज फूड। सो दिस इज कैबेज का सब्जी, दिस इज अवियल, ये साउथ इंडियन अवियल, मिक्स वेज है ये। एंड दिस इज कर्ड करी बोलते हैं इसको। एंड देर इज राइस एंड इन स्वीट्स वी हैव मेड पायसम कुर्गी वी हैव मेड। Zayvin is busy coloring. So yes guys, so after we finish all these like घर का सारा कुछ, स्टार को अभी मंडे को भी, स्टार आपको मंडे को है प्रोजेक्ट? हाँ लिटरेचर मंडे को है, मंडे को है प्रोजेक्ट, लेकिन मंडे को हाफ डे है ना आपका? ओके आज रात को बैठ के लिटरेचर का सारा फाइंड आउट कर देते हैं। सो यस लिटरेचर का बिल्कुल कुछ भी हम लोग ने नहीं किया है, सो आज बैठ के लिटरेचर का फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट फाइंडिंग फ्रॉम गूगल व्हाट टू डू। सो हम हो चुके हैं रेडी प्रेयर के लिए, सब लोग आ भी चुके हैं, अभी प्रेयर भी शुरू होने वाला है। और स्टार यहाँ बैठ चुकी है क्योंकि ज़ेवी बोले कि हम लोग इस तरफ बैठे हैं। हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ प्रोजेक्ट? नाइस, किया पूरा कंप्लीट? पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया, सब स्टिक कर दिया? बहुत टाइम मिला होगा ना कम का। अभी क्या कर रहा है? हिस्ट्री का कवर पेज कर रहा है। सेकंड अभी तो लिटरेचर है, उसके बाद कौन सा? केमिस्ट्री का किया है। हाँ मतलब प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बचा है। केमिस्ट्री रेडी है? कॉटन कहाँ से दो? कहीं से उठा के गई। सो स्टार इज मेकिंग हिस्ट्री का कवर पेज आपका। ओके प्रोजेक्ट तो अच्छा ही था, फिर आपका वो स्पोर्ट्स का क्या हुआ? फुटबॉल का आज वो था ना? आज हुआ खाली छः लड़कियाँ थे, फिर 1v1 हुआ जिसमें शूटिंग और ड्रिबलिंग वगैरह देखते सर, फिर 2v2 हुआ जिसमें पासिंग और शूटिंग फिर से हुआ, और 3v3 टीम वर्क वगैरह उसमें देखा सर। सब किया? ओके और आज आप लोगों को वो भी था ना वर्कशॉप भी हुआ? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या था उसके बारे में? किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने? हाँ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, फिर एक प्लेज भी करवाया कि अभी मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अच्छा न्यू मेहमान हमारे घर में प्रेयर चल रहा ना, तो स्मॉल बेबी है कम। ये देखो ये लड़के को, तो बड़ा घोड़ा दिख रहा है इसके सामने। Hey guys, good morning. So yesterday was a very, 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 very busy day. बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और प्रेयर था, खाना था, एंड वो सब ख़त्म होते होते सब जाते हुए हम लोग ने खुद खाना खा के, सो यस फिर वाइंड अप करके सारे बर्तन वर्तन धो के सब ख़त्म करके बहुत टाइम हो गया था। ज़ेवी ऑलरेडी टायर्ड था बिकॉज वो ऑलरेडी 4:30 को उठा हुआ था, ही हैड फूड एंड ही स्लेप्ट, एंड स्टार ऑल्सो स्लेप्ट बिकॉज वो भी सुबह सुबह की उठी हुई थी।
So now we have just woken up. Today is a very late and lazy day. It's 9 o'clock and I'm still on the bed. I didn't want to get up and I'm drinking coffee to just get revived. Zavin has woken up. Star will not wake up because she will be like sleeping. Usko jab tak uthao nahi wo uthegi nahi. Aaj uska 12 o'clock ko tuition hai. Plus usko abhi अपना इंग्लिश का प्रोजेक्ट का बनाना है. कल वो हिस्ट्री का बना रही थी, उसने साथ में हिंदी का भी बना दिया था जब तक वो प्रेयर और सब खाना वाना चल रहा था. शी फिनिश्ड हर 2 कवर पेजेस जो सिर्फ बचे हुए थे. आई विल शो यू लेटर एंड देन शी विल टुडे शी विल फिनिश हर इंग्लिश प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. हमारे रात का राजा उठ चुका है. वो तो सुबह ही उठ गया था. ब्यूटी क्वीन तो स्लीपिंग ब्यूटी इज स्लीपिंग एंड शी विल वेक अप ओनली व्हेन वी वेक हर अप.